वीडियो को वायरल करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम यहाँ पर तीन एक्टिविटी बहुत ही आसान है, वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप जो कीवर्ड प्लानर होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ माना के ये स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन से आप सीधा इसके चक्कर में ना पड़ें, ये बाकी कुछ भी ना करें यहाँ पे, और गेट रिजल्ट आपको क्या है, बस लोकेशन थोड़ी देख लेनी है, आपको इंडिया से चाहिए या फिर ग्लोबल ही चाहिए वो चीज़। आप यहाँ से अब या नीचे देखेंगे रिजल्ट में आ गया है एजुकेशन, देखिए स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन को स्टूडेंट लोन भी कहते हैं, स्टूडेंट लोन्स कंपनी। यहाँ से आपको वो कीवर्ड्स उठाने हैं जो कि ज़्यादा रिलेटेड हैं आपके प्रोडक्ट या जो सर्विस आप दे रहे हैं और जिनके बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं, आपको उन्हीं को लेकर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बना लेने हैं। दूसरा जो है, आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं। गूगल पर जाकर आप सीधा अपने, जैसे मैंने अभी सर्च किया एजुकेशन लोन, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे, वहाँ पे देखेंगे ये जो ऐड हैं, ऐड से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाले ऐड हैं, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो रिज़ल्ट हैं उनमें हम कीवर्ड क्या क्या देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एजुकेशन लोन, अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन ऑनलाइन, तो इस तरीके से हम यहाँ से कीवर्ड्स को टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में कैसे रख सकते हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए टाइटल में यहाँ ऐसे यूज़ किया हुआ है ऑनलाइन वगैरह कुछ लगा के, और डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है। और तीसरा, हम सीधा YouTube पर जाएंगे और YouTube पर सीधा उसी से सर्च कर देंगे एजुकेशन लोन। जैसे ये सिर्फ मैं समझाने के लिए एक कीवर्ड लिया है एजुकेशन लोन, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो ऐड यहाँ पे आ रहे हैं, हमें सीधा क्या करना है, नीचे जाना है, जो मेन रिजल्ट्स हैं YouTube पर वो देखने हैं। यहाँ पर देखिए जो टाइटल है वो इस तरीके से, लक्ष्मी एजुकेशन लोन अप्लाई ऑनलाइन, देखिए अप्लाई ऑनलाइन के साथ में एजुकेशन लोन आ रहा है, मेन कीवर्ड हमारा एजुकेशन लोन है, ठीक है, उसके साथ में अप्लाई ऑनलाइन या फिर विद्यालक्ष्मी विद्यालक्ष्मी जो ये लगाया हुआ है, नाम लगाया हुआ है कंपनी का। ऐसे ही आप यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी देखिए किस तरीके से हमने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं यहाँ पर इन लोगों ने, तो हम भी इसी तरह इन्हीं की टाइप से थोड़ी सी हेल्प लेंगे। और तो इन तीनों स्टेप से हमें यह पता चल जाता है, यह आइडिया आ जाता है कि हम कीवर्ड्स को कैसे यूज करें। हमें कीवर्ड्स अपने हिसाब से अच्छी तरह से टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दे देने हैं, एज इट इज़ किसी भी टाइटल को पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो कॉपीराइट आपके वीडियो पर आ जाएगा। दूसरा स्टेप है फाइल नेम। अब हम फाइल नेम को, जो हमने हमारे पास में जो वीडियो है उसका फाइल नेम है वो इस तरीके से रहता है, तो उसमें दिक्कत होती है, इसलिए हमें इसका जो नेम है फाइल का वो जो हमारा कीवर्ड है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने एजुकेशन लोन चूज किया है, तो जैसे मैं एक फाइल का नाम बदल, ये फाइल का नाम यहाँ पे बदल देता हूँ, ये यहाँ पे एजुकेशन लोन कर देता हूँ, तो ये फाइल हमारी जो है, ये देखिए इसका नेम ये हो गया है। तो हमें क्या चाहिए, जो वीडियो हम YouTube पर अपलोड कर रहे हैं उसका जो नेम है वो हमें चेंज कर देना चाहिए, और जो हमारा कीवर्ड है उसी को टारगेट करके उसका नेम चेंज कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जब हमने एजुकेशन लोन जो हमारा कीवर्ड है जो हमने एग्जांपल के ले रखा है उसी से जब हमने YouTube पे सर्च किया, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो उसका टाइटल है उसमें देखिए कैसे हमने कीवर्ड को यूज़ किया है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है
वो आप यहाँ देखिए फर्स्ट में जो दिया हुआ है बड़े अच्छे से कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, कीवर्ड्स को अच्छे से टाइटल में लगाना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसे उसका सेंस निकलना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से यह डिस्क्राइब कर देना चाहिए कि जो आपने वीडियो में पूरा बताया हुआ है। फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको जो वीडियो है आपका जिससे रिलेटेड है प्रोडक्ट से, उसके जो है टैग्स, आपको जितने भी आप वहां पर टैग्स डालेंगे वो अच्छे प्रॉपर तरीके से आप डालें, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। यहां पर ये टैग्स आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इनसे यूट्यूब पर आपके वीडियो को सर्च करने में मदद मिलेगी। लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि जो लेंथ है डिस्क्रिप्शन की वो एक खास मैटर करती है। जो हमारा गूगल है या यूट्यूब है वो कुछ ही कैरेक्टर्स को क्राउल करता है और इंडेक्स करता है और उन्हीं के बिहाफ पे वहाँ सर्च रिजल्ट में आपके वीडियोस या फिर जो वेबसाइट हैं वो गूगल पर या यूट्यूब पर दिखाई देती हैं। तो टाइटल में कितनी लेंथ होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन में कितनी लाइनें या कितने कैरेक्टर तक ही क्राउल होते हैं और इंडेक्स हो पाते हैं।